कैमरा किधर है जुड़े हुए हैं लोग डोबॉक जुड़े पड़े हैं

ठीक है नमस्कार दोस्तों लगाए तो है आवाज़ नहीं आ रही फुर्स फुर्स। से रखती हूँ काकू काकू तक फोटो नहीं आ रहा मेरी आवाज़ आ रही है थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है थोड़ी सी इसलिए आप बताइएगा मुझे हेलो मेरी आवाज़ आ रही है एक बार मुझे बता दें तो मैं काव्य पाठ शुरू करूं हेलो क्लियर आ रही है वेरी गुड सभी जुड़े हुए साहित्यकार प्रेमी साहित्यकार और सभी मित्रों को मेरा हार्दिक नमन है अभिनंदन है और सबका स्वागत है तो आज थोड़ा विलम्ब हुआ मेरी तरफ़ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से क्या आपको अन्यथा इंतजार करना पड़ा <laughs> तो मेरे को आदेश दें तो मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूं गुड इवनिंग कौन कौन जुड़ चुका है सुनील दत्त मिश्रा जी जुड़ चुके हैं एम एनसी किन्नौर जी जुड़ चुके हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका वाशु केवर जी जुड़ चुकी हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका निगी अतुल जी जुड़ चुके हैं और भी बहुत से मित्रगण हैं जो कि जुड़े हुए हैं ऑनलाइन तो मैं सबका स्वागत करती हूँ बसंत श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं आ, ओके कमी कवि राम भगत जी जुड़े हुए हैं आप बताएँ मुझे आदेश दें तो मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूँ पहले ही देर हो चुकी है लोग बोर हो रहे हैं जी आने दीजिए सबको तो मैं शुरुआत करू सबसे पहले मैं रचना लूंगी वंदना रखूंगी माता शारदे के लिए जिनके आशीर्वाद स्वरूप मैं यहाँ बैठी हूँ आपके सम्मुख और आप लोग मुझे सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं तो मैं वीणा वादनी की वंदना लेती हूँ माँ वीणा वादनी हे माता सरस्वती हे माता शारदे हे माता सरस्वती हे माता शारदे कर दे कृपा हमें ज्ञान कावर दान दे हे माता सरस्वती हे माता शारदे अज्ञानता का नाश कर दो अज्ञानता का नाश कर दो कठिन राह आ सान कर दो कठिन राह आ सान कर दो अनवरत आशीष वर दो अनवरत आशीष वर दो माशार दे उपकार कर दो मा शारदे उपकार कर दो, हे माता सरस्वती हे मा शारदे हे मा सरस्वती हे हेमा शारदे कर दे कृपा हमें, ज्ञान कावर दान दे हे माँ सरस्वती हे माँ शारदे हे माँ शारदे मा शार धन्यवाद अब बताएं अगला रचना क्या लेना चाहेंगे आजकल कोरोना से सब लोग भयभीत हैं लेकिन जो लोग इस समय को भी हम लोगों ने पॉजिटिविटी से लेना है तो हमें चिंता सिर्फ यही करनी है कि जो लोग हमारे साथ हैं हम उनका पूरा ख्याल रखें उनका मनोबल बढ़ाएं, बजाय इसके कि उनमें दहशत फैलाएं। कृपया मेरा सबसे निवेदन है कि सब लोग इसी ओर इसी ओर प्रयोग करें प्रयास करें और सबका हौसला बढ़ाई बढ़ाएँ इस कठिन दौर में सब लोग याद रखेंगे सिर्फ आपकी अच्छाइयां सामने रह जाएंगी तो जो भी भाव हो हर धर्म से और हर इंसान से निकाल फेंकिए और एक दूसरे की मदद करिए मेरा सब से निवेदन है कृपया मेरा अनुरोध अवश्य सुनेगा चलिए मैं इस चिंता के लिए ही थोड़े से दोहे देती हूँ आप लोगों के लिए सुनेगा हर चिंता को त्याग दे हर चिंता को त्याग दे चिंता मन का रो हर चिंता को त्याग दे चिंता मन का रो चिंता से होता रहे सब चिंतन का योग चिंता से होता रहे सब चिंतन का योग मदद आप सबकी करें मदद आप सबकी करें यदि संभव हो पाए मदद आप सब की करें यदि संभव हो पाए हाथों की मेहनत से कभी न घाटा हाथों की मेहनत से कभी न घाटा आए। मात पिता की पूजा करें वो सबके भगवान मात पिता की मात पिता पूजन करें वो सबके भगवान कभी यित नहीं सोचते उनको प्रिय संतान कभी यित नहीं सोचते उनको प्रिय संतान अपने बच्चों से करें सबसे ज्यादा ने अपने बच्चों से करें सबसे ज्यादा ने आजीवन वो कष्ट सहे काट काट कर दे आजीवन कष्ट सहें काट काट कर दे बच्चों के लिए खटते मात पिता दिन रात बच्चों के लिए खटते मात पिता दिन रात खुश बच्चों को देखते दुख उनके बिसरात दुख उन खुश बच्चों को देख के दुख उनके विसरात खोन उनके विश धन्यवाद बसंत जी देख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका चलिए मैं अगली रचना लेती हूँ जग चल रहा है कविता का सूचक है जग चल रहा है जग चल रहा है तू भी चला चल जग चल रहा है तू भी चला चल हैं सब मुसाफिर तू भुला न देना हैं सब मुसाफिर तू भुला न देना जग चल रहा है तू भी चला चल हैं सब मुसाफिर तू भुला न देना वादे किए हैं कुछ खुद से तूने वादे किए हैं कुछ खुद से तूने मुश्किल हो रहा है गिला न देना मुश्किल हो रहा है गिला न देना जग चल रहा है तू भी चला चल है सब मुसाफिर तू भुला न देना हैं सब मुसाफिर तू भुला न देना कर्ज हैं तेरे कुछ कर्ज हैं तेरे कुछ फ़र्ज भी हैं तेरे जो दुनिया में आया वो कर्ज और फ़र्ज दोनों को लेकर आया है और उसका हमें बैलेंस बना के रखना चाहिए तो सुनिएगा कर्ज हैं तेरे कुछ फ़र्ज भी हैं तेरे कर्ज हैं तेरे कुछ फ़र्ज भी हैं तेरे मायूसियों में मायूसियों में तू सिला न देना मायूसियों में तू सिला न देना जग चल रहा है तू भी चला चल हैं सब मुसाफिर तू भुला न देना हैं सब मुसाफिर तू भुला न देना वक्त बदले वक्त बदले चाहे ये बदले जमाना वक्त बदले चाहे बदले ये जमाना अंदाजे बया तू भुला न देना अंदाजे बया तू भुला न देना जग चल रहा है तू भी चला चल है सब मुसाफिर तू भुला न देना हैं सब मुसाफिर तू भुला न देना जीवन है अमूल, जीवन है अमूल, ये अमोल खजाना राह गर्दिश में तू मिला न देना राहे गर्दिश में तू मिला न देना जग चल रहा है तू भी चला चल जग चल रहा है तू भी चला चल है सब मुसाफिर तू भुला न देना है सब मुसाफिर तू भुला न देना कर मुट्ठी में कर मुट्ठी में कुछ खुशी के लम्हे कर मुट्ठी में कुछ खुशी के लम्हे गमों से खुशियाँ गमों से खुशियाँ जला न देना गमों से खुशियाँ जला न देना जग चल रहा है तू भी चला चल जग चल रहा है तू भी चला चल है सब मुसाफिर तू भुला न देना जब चल रहा है तू भी चला चल है सब मुसाफिर तू भुला न देना हैं सब मुसाफिर तू भुला न देना बहुत बहुत शुक्रिया बसंत श्रीवास्तव जी जुड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदरण्य विभाजी जुड़ी हुई हैं बहुत बहुत शुक्रिया विभाजी राम भगत नेगी जी जुड़े हुए हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपके प्रयासों का नतीजा है कि मैं आपके पटल पर आई हूं हाँ अगले अगली रचना देखिएगा दि, मैं लेती हूं वक्त की रवानी है सुनेगा जिंदगी जिंदगी एहसासों में लिखी जानी है जिंद से निभानी है जिंदगी एहसासों से लिखी जानी है हर हाल में ये हिम्मत से निभानी है हर हाल में ये हिम्मत से निभानी है चंद हसीन लम्हे कैद हैं ज़िंदगी में चंद हसीन लम्हे कैद हैं ज़िंदगी में है ज़ुबान भी है ज़ुबान भी मगर बेजुबान कहानी है है ज़ुबान भी मगर बेजुबान कहानी है जिंदगी एहसासों में लुट लिखी जानी है हर हाल में ये हिम्मत से निभानी है जियो हर लम्हा जियो हर लम्हा जियो हर लम्हा रोशनी की खातिर जियो हर लम्हा रोशनी की खातिर ना जाने कब ये ना जाने कब ये उम्र बीत जानी है ना जाने कब ये उम्र बीत जानी है हर हाल में ये हिम्मत से निभानी है ज़िंदगी एहसासों में लिखी जानी है हर हाल में ये हिम्मत से निभानी है मत हो मगरूर मत हो मगरूर कि तू है एक नश्वर प्राणी मत हो मगरूर कि तू है नश्वर प्राणी रही जो बात रही जो बात दिल में वो दिल में रह जानी है रही जो बात दिल में दिल में रह जानी है ज़िंदगी एहसासों में लिखी जानी है हर हाल में ये हिम्मत से निभानी है हर हाल में ये हिम्मत से निभानी है तोड़ गम का गुरु मैं आगे कहती हूँ तोड़ गम का गुरु और तूफ़ान को आने दे तोड़ गम का गुरु और तूफ़ान को आने दे गुज़र जाएगा ये वक्त गुज़र जाएगा ये वक्त ये वक्त की रवानी है कोई भी वक्त ठहरता नहीं है वक्त हमेशा चला जाता है हो अच्छा हो या बुरा हो तो ये कोरोना काल को भी आप इसी तरीके से लीजिए कि एक बुरा दौर है और ये भी जल्द गुजर जाएगा सभी लोग हौसला रखें इसके लिए तोड़ गम का गुरू और तूफ़ान को आने दे ये गुज़र जाएगा वक्त ये गुज़र जाएगा वक्त ये वक्त की रवानी है ज़िंदगी एहसासों में लिखी जानी है ज़िंदगी एहसासों में लिखी जानी है हर हाल में ये हिम्मत से निभानी है हर हाल में ये हिम्मत से निभानी है हर हाल में ये हिम्मत से निभानी है धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग जुड़े हुए हैं मेरी हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बसंत जी जुड़े हुए हैं अब बहुत बहुत आभार आपका चलिए मैं अगली रचना लेती हूँ हसी है ये दुनिया हसी है दुनिया सुनेगा हसीन है दुनिया हसीन है दुनिया उल्फत के मेले हैं हसीन है दुनिया उल्फत के मेले हैं दिल के कोने में फिर भी अकेले हैं दिल के कोने में फिर भी अकेले हैं हसीन है दुनिया उल्फत के मेले हैं दिल के कोने में फिर भी अकेले हैं दिल के कोने में फिर भी अकेले हैं सादगी से गुज़रती तब कमाल होता सादगी से गुज़रती तब कमाल होता बस तमन्नाओं के ही हजारों झमेले हैं बस तमन्नाओं के ही हज़ारों झमेले हैं हसीन है दुनिया उल्फत के मेले हैं हसीन है दुनिया उल्फत के मेले हैं दिल के कोने में फिर भी अकेले हैं दिल के कोने में फिर भी अकेले हैं गुजर गए गुजर गए फासलों से ये भी कम नहीं गुज़र गए फासलों से ये भी कम नहीं एहसानों के कई दौर एहसानों के कई दौर ऐसे भी झीले हैं एहसानों के कई दौर ऐसे भी झीले हैं हसीन है दुनिया उल्फत के मेले हैं हसीन है दुनिया उल्फत के मेले हैं दिल के कोने में फिर भी अकेले हैं दिल के कोने में फिर भी अकेले हैं बड़ी बरकत है बड़ी बरकत है तुझ में खो जाने की बड़ी बरकत है तुझ में खो जाने की तन्हाइयों में तेरी ही तन्हाइयों में तेरी ही यादों से खेले हैं तन्हाइयों में तेरी ही यादों से खेले हैं हसीन है दुनिया उल्फत के मेले हैं हसीन है दुनिया उल्फत के मेले हैं दिल के कोने में फिर भी अकेले हैं दिल के कोने में फिर भी अकेले हैं रुके हैं ये अश्क रोके हैं ये अश्क हमने कसम देकर, रोके हैं ये अश्क हमने कसम देकर हर बार हर बार जज्बात बेबाकी से खेले हैं हर बार जज्बात बेबाकी से खेले हैं हसीन है दुनिया उल्फत के मेले हैं हसीन है दुनिया उल्फत के मेले हैं दिल के कोने में फिर भी अकेले हैं दिल के कोने में फिर भी अकेले हैं एक एहसास है एक एहसास है कि बस तू खास है एक एहसास है कि बस तू खास है पूरा जहां है हम पूरा जहाँ हैं हम पर तुम बिन अकेले हैं पूरा जहाँ हैं हम पर तुम बिन अकेले हैं हसीन है दुनिया उल्फत के मेले हैं हसीन है दुनिया उल्फत के मेले हैं दिल के कोने में फिर भी अकेले हैं दिल के कोने में फिर भी अकेले हैं बहुत बहुत शुक्रिया सुनील कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े हुए हैं पंडित अंजलि पंडित बहुत बहुत शुक्रिया आपका आ, केशव शर्मा जी जुड़े हुए हैं बहुत बहुत अभिनंदन आपका बसंत जी बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपकी हौसला अफजाई से मुझे बल मिला आ, बहुत खूबसूरत कह रहे हैं राम भरत नेगी जी बहुत बहुत शुक्रिया आ, आभार आपका जुड़े रहने के लिए अगर किसी का नाम मेरे बुलाए बिना रह जाता है तो मैं बाद में आपको जवाब दे दूँगी मुझे लगता है कि शायद मैं पढ़ चुकी हूँ सारे फिर भी अन्यथा ना लीजिएगा केशव शर्मा जी आ, मैं वो पढ़ चुकी हूँ सारे जी ओके अगली रचना लेते हैं ओह गर्मी सुनेगा अगली रचना सुने रूबरू उनसे सुनेगा रूबरू उनसे ख्वाबों में बात होती है रूबरू उनसे ख्वाबों में बात होती है तन्हाइयों में जमकर बरसात होती है तन्हाइयों में जमकर बरसात होती है रूबरू उनसे ख्वाबों में बात होती है तन्हाइयों में जमकर बरसात होती है ऐसे ही नहीं अफसाने बन जाते यहाँ ऐसे ही नहीं अफसाने बन जाते यहाँ चेहरे से ही बयां, चेहरे से ही बयां सब हालात होती है चेहरे से ही बयां सब हालात होती है तन्हाइयों में जमकर बरसात होती है रूबरू भरू उनसे ख्वाबों में बात होती है तन्हाई में जमकर बरसात होती है पी रेखा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जुड़ने के लिए आगे सुनिए जिक्र करें रसवाइयों का ज़िक्र करें रसवाई का तो क्या हासिल जिक्र करें रसवाइयों का तो क्या हासिल हर बात में ही हर बात में ही उनकी ही तो बात होती है हर बात में तो बात में तो उनकी ही बात होती है रूबरू उनसे ख्वाबों में बात होती है तन्हाइयों में जमकर बरसात होती है तन्हाइयों में जमकर बरसात होती है समझ भी लेते जिंदगी का फलसफा समझ भी लेते जिंदगी का फलसफा जाने कैसी जाने कैसी किसकी बिसात होती है जाने कैसी किसकी विसात बिसात होती है रूबरू उनसे ख्वाबों में बात होती है तन्हाइयों में जमकर बरसात होती है तन्हाइयों में जमकर बरसात होती है तन्हाइयों में जमकर बरसात होती है बहुत बहुत धन्यवाद बसंत जी जुड़े हुए हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़े रहने के लिए अगली रचना लेती हूँ मैं पंडित अंजलि जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका केशव शर्मा जी बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया आपका और कोई नाम रह गया हो तो बता दीजिए चलिए अगली रचना एंजॉय करते हैं सबसे बड़ा रुपया सुनिएगा तर आए सब पापी तर जाए सब पापी लगे किनारे नैया आज का दौर यही चल रहा है जो ठग हैं वो तो ठग रहे हैं और जो लोग परेशान हैं वो परेशान हो रहे हैं तो वही काम है तर जाए सब पापी लगे किनारे नैया सकल मनोरथ सद जाए नहाए गंगा मैया सकल मनोरथ सद जाए नहाए गंगा मैया तर जाए सब पापी लगे किनारे नैया सकल मनोरथ सद जाएं नहाए गंगा मैया डाका डाका रिश्वत का डाका रिश्वत काले धंधे या हो हेरा फेरी डाका रिश्वत काले धंधे या हो हेरा फेरी सब साफ़ निकल जाए जब पल्ले हो रुपैया सब साफ़ बच जाएं जब पल्ले हो रुपैया तर जाए सब पापी लगे किनारे नैया तर जाए सब पापी लगे किनारे नैया सकल मनोरथ सद जाए नहाए गंगा मैया धन बिना कन्या का धन बिना कन्या का अब कोई न देता साथ धन बिना कन्या का अब कोई न देता साथ चाहे हो गुणवान चाहे हो गुणवान चाहे रूप भरपूर सवैया चाहे हो रूप भरपूर सवैया सकल मनोरथ सज जाए नहाए गंगा मैया तर जाए सब पापी लगे किनारे नैया खान पान और सम्मान खान पान और सम्मान सब रह जाएं अधूरे खान पान और सम्मान सब रह जाएं अधूरे असं असंभव है इसके बिना असंभव है इसके बिना हो जाए गुजारा दैया असंभव है इसके बिना हो जाए गुजारा दैया तर जाए सब पापी लगे किनारे नैया चकल मनोरथ सद जाए नहाए गंगा मैया सकल मनोरथ सदाए नहाए गंगा मैया अब आगे सुनिए हुआ बाप का बाप आगे सुनिए पैसे की महिमा कम भी नहीं है हम कहें कि कम है ऐसा नहीं है हुआ बाप का बाप मत पूछो इसकी माया हुआ बाप का बाप मत पूछो इसकी माया सो बाप बड़ो ना भैया सो बाप बड़ो ना भैया सबसे बड़ो रुपैया सो बाप बड़ो ना भैया सबसे बड़ो रुपैया तर जाए सब पापी लगे किनारे नैया सकल मनोरथ सद जाए नहाए गंगा मैया सकल मनोरथ सद जाए नहाए गंगा मैया नेकी और त्याग से सब कुछ होते हुए भी हमें नेकियां करना नहीं छोड़ना है और जो सब्र में जो फल मिलता है वो कहीं पैसे से भी ज़्यादा होता है इसलिए मेरी अंतिम लाइन सुनिएगा नेकी और त्याग से ये जीवन गुजारो भैया नेकी और त्याग से ये जीवन गुजारो भैया और खाली हाथ ही जाएंगे खाली हाथ ही जाएंगे संग जाए नहीं रुपैया खाली हाथ ही जाएंगे संग जाए नहीं रुपैया तर जाएं सब पापी लगे किनारे नैया तर जाएं सब पापी लगे किनारे मै नैया सकल मनोरथ सद जाएं नहाएं गंगा मैया सकल मनोरथ सद जाएं नहाएं गंगा मैया नहाएं गंगा मैया बहुत बहुत शुक्रिया बसंत श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं बहुत हुए। बहुत शुक्रिया आपका रेखा जी जुड़ी हुई हैं बहुत बहुत शुक्रिया उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बताइए और किस तरह की सुनिए एक और सुनाती हूँ रचना कुरुणाल नेगी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपको प्रेजेंटेशन पसंद आई सुनेगा विकास हम लोग अक्सर आपस में बात करते हैं एक दूसरे से बात करते हैं बहुत सोचते हैं बहुत विचार करते हैं कि देश का विकास नहीं हो रहा ये नहीं विकास हो रहा वो नहीं विकास हो रहा लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं हमारी सोच क्यों नहीं विकासशील हो रही है हम दूसरों पर दोषारोपण करते हैं सरकार से चाहते हैं कि वो सारे विकास कर डाले और हम ये नहीं सोचते कि हम अपना विकास कब करेंगे तो इसी मंथन के अंतर्गत मेरी रचना है सुनिएगा विकास क्यों चाहते हो विकास क्यों चाहते हो विकास कैसे हो पाएगा विकास क्यों चाहते हो विकास कैसे हो पाएगा विकास लगभग नब्बे प्रतिशत लोगों को अंधेरे में डालकर कैसे हो पाएगा विकास लगभग नब्बे प्रतिशत लोगों को अंधेरे में डालकर निर्बलों पे अत्याचार करके चंद लोगों के लिए विकास चाहिए जहां पचास प्रतिशत महिलाएं घर में आश्रित हैं जहाँ पचास प्रतिशत महिलाएँ घर में आश्रित हैं बेघर हैं बेपर हैं बेकल हैं सिर्फ सिर ढकने के लिए ज़िंदगी भर पिछती हैं सिर्फ सिर ढकने के लिए ज़िंदगी भर पिछती हैं ना घर उनका ना बच्चे उनके ना घर उनका ना बच्चे उनके चंद निवालों की खातिर दिन रात पीसी जाती हैं चंद निवालों की खातिर दिन रात पीसी जाती हैं ज़िंदगी सिसकियों में गुजार देती हैं कैसे होगा विकास कैसे होगा विकास जहां मासूम बच्चियां तक सुरक्षित नहीं जहां मासूम बच्चियां तक सुरक्षित नहीं घर परिवार स्कूल परिजन तक से भयभीत रहती हैं जहाँ मासूम बच्चियाँ तक सुरक्षित रहें घर परिवार स्कूल परिजन तक से भयभीत रहती हैं मेरा आगे मानना है सुनेगा जब तक मानवता से सुलह नहीं होगी जब तक मानवता से सुलह नहीं होगी दानवता दहन नहीं होगी बेचारे बेकारों का घर नहीं होता बेचारे बेघरों का घर नहीं होता महिलाओं का सम्मान नहीं होता बेटियां सुरक्षित नहीं होती तब तक विकास नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा जब तक मानवता से सुलह नहीं होगी दानवता दहन नहीं होगी बेचारों बेकारों का घर नहीं होगा महिलाओं का सम्मान नहीं होता बेटियां सुरक्षित नहीं होती तब तक विकास नहीं होगा और विकास होगा तो किसका होगा सुनेगा विकास होगा तो नेताओं का विकास होगा तो नेताओं का विकास होगा तो मक्कारों का विकास होगा तो चांडालों का विकास होगा तो पैसे वालों का आम आदमी का विकास नहीं होगा आम आदमी का विकास नहीं होगा जब तक जब तक सबके लिए सोचा नहीं जाएगा जब तक सबके लिए सोचा नहीं जाएगा नर नारी समान नहीं हो जाएगा बेटियां सुरक्षित नहीं हो जाएंगी निर्बलों पर रहम नहीं आएगा निर्बलों पर रहम नहीं आएगा मानव मानव नहीं कहलाएगा मानव मानव नहीं कहलाएगा लालच को जब दिल से रोंदा जाएगा लालच को दिल से रोंदा जाएगा और वो स्व से निजात पा जाएगा हर इंसान पूजा जाएगा तब विकास खुद हो जाएगा तब विकास खुद आ जाएगा तब विकास अपना हो जाएगा तब विकास अपना हो जाएगा तब विकास कहीं नहीं जाएगा तब विकास कहीं नहीं जाएगा तब विकास कहीं नहीं जाएगा धन्यवाद बसंत जी जुड़े में बहुत बहुत शुक्रिया गुरु लाल नेगी जी बहुत बहुत शुक्रिया पंडित अंजलि जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बता दीजिएगा कब तक मेरा समय रहेगा सुनेगा मैं एक रचना और लेती हूँ उसके बाद समय समाप्ति की ओर आ रहा है कभी सोचा नहीं था एक ऐसा मंजर भी होगा कभी सोचा नहीं था एक ऐसा मंजर भी होगा छिपा आँखों में अशकों भरा समंदर भी होगा कभी सोचा नहीं था एक ऐसा मंजर भी होगा बहुत बहुत शुक्रिया लकी जी पंडित अंजलि जी बहुत बहुत शुक्रिया कभी सोचा नहीं था एक ऐसा मंजर भी होगा छिपा आँखों में अशकों भरा समंदर भी होगा दूरियों में सिमट जाएगी सबकी ये ज़िंदगी दूरियों में सिमट जाएगी सबकी ये ज़िंदगी नजदीकियों में रखा मौत का खंजर भी होगा नजदीकियों में रखा मौत का खंजर भी, होगा। कभी, भी होगा कभी सोचा नहीं था एक ऐसा भी मंजर होगा कभी सोचा नहीं था एक ऐसा भी मंजर होगा छिपा आँखों में अशकों भरा समंदर भी होगा सिसक रहे हैं दिन रात दहशतों में लोग शक रहे हैं दिन रात दहशतों में लोग क्या पता क्या पता किसके बाद अपना भी नंबर होगा क्या पता किसके बाद अपना भी नंबर होगा कभी सोचा नहीं था कभी सोचा नहीं था एक ऐसा भी मंज़र होगा कभी सोचा नहीं था एक ऐसा भी मंज़र होगा छिपा आँखों में अशकों भरा समंदर भी होगा पहले कभी ऐसी तबाही नहीं देखी थी हमने पहले कभी ऐसी तबाही नहीं देखी थी हमने ऑक्सीजन के बिना हर मौत का मंजर भी होगा ऑक्सीजन के बिना हर मौत का मंजर भी होगा कभी सोचा नहीं था एक ऐसा मंजर भी होगा कभी सोचा नहीं था एक ऐसा मंजर भी होगा छिपा आँखों में अशकों भरा समंदर भी होगा अपनी जान पर खेल कर बचा रहे हैं नर्स और डॉक्टर अपनी जान पर खेल कर बचा रहे हैं नर्स और डॉक्टर वहीं ब्लैक में दवाइयाँ बेचने वाला बंदर भी होगा वहीं ब्लैक में दवाइयाँ बेचने वाला बंदर भी होगा कभी सोचा नहीं था कभी सोचा नहीं था एक ऐसा मंजर भी होगा छिपा आँखों में अशकों भरा समंदर भी होगा शर्मशार हो रही इंसानियत आज हर जगह शर्मसार हो रही इंसानियत आज हर जगह जो बच गया कोरोना से जो बच गया कोरोना से वो सिकंदर भी होगा जो बच गया कोरोना से वो सिकंदर भी होगा कभी सोचा नहीं था एक ऐसा मंजर भी होगा कभी सोचा नहीं था एक ऐसा मंजर भी होगा छिपा आँखों में अशकों भरा समंदर भी होगा कहाँ से आ जाए खबर कहाँ से आ जाए खबर किसी की मौत की कहाँ से आ जाए खबर किसी की मौत की रहम दाता रहम कर दाता अब तेरे रहम का भी कोई डर हो डर भी होगा अब तेरे रहम का भी कोई तो डर होगा कभी सोचा नहीं था एक ऐसा मंजर भी होगा कभी सोचा नहीं था एक ऐसा भी मंजर होगा हाँ शशि किरण जी बहुत बहुत शुक्रिया ओके नरेश ठाकुर जी बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुलाल नेगी जी पुष्पेंद्रा जी लकी जी नेगी बसंत जी लकी जेठवा जी गुरुलाल नेगी जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का आ, मुझे बताइए मुझे पाठ कब तक करना है एक घंटे का है तो मैं एक रचना दो रचना और ले सकती हूँ बताइए राम भगत जी प्लीज़ बहुत बहुत शुक्रिया चलिए मैं एक रचना प्रार्थना के तौर पे लेती हूँ जिन जिन लोगों को कोरोना से बाधित हैं या जो इस संकट को झेल रहे हैं उनके लिए एक प्रार्थना लेती हूँ और उसके बाद अपना काव्य पाठ समाप्ति की ओर लेके जाती हूँ सुन लो विनती हे भगवान सुन लो विनती हे भगवान जगत नियंता कृपा निधान सुन लो विनती हे भगवान जगत नियंता कृपा निधान बढ़ गए पातक इस धरती पर बढ़ गए पातक इस धरती पर उठ रहे सवाल अब हस्ती पर उठ रहे सवाल अब हस्ती पर आप ही कोई अब करो निदान आप ही कोई करो निदान ये सब बालक हैं अतिनादान ये सब बालक हैं अतिनादान सुन लो विनती हे, हे भगवान सुन लो विनती हे भगवान जगत नियंता कृपा निधान सुन लो विनती हे भगवान जगत नियंता कृपा निधान प्रभु सब संकट को अवतारो प्रभु सब संकट को अवतारो स्थिति से अब विकट स्थिति से हमें निवारो क्षमा करो हे अंतर्यामी क्षमा करो हे अंतर्यामी करो कृपा हम पर भगवान सुन लो विनती हे भगवान सुन लो विनती हे भगवान जगत नियंता कृपा निधान जगत नियंता कृपा निधान कोरोना से सब हो गए त्रस्त कोरो से सब हो गए त्रस्त सब जन हो गए इससे त्रस्त सब जन हो गए इससे त्रस्त विकट कष्ट का करो निदान विकट कष्ट का करो निदान नष्ट करो को रोना भगवान नष्ट करो को रोना भगवान सुन लो विनती सुन लो विनती हे भगवान जगत नयनता कृपा निधान जगत नयनता कृपा निधान सदा उपकार सदा उपकार रहेगा आपका आपका सृजन रहे बहाल आपका सृजन रहे बहाल हर तरफ हो रही त्राही त्राही हर तरफ हो रही त्राही त्राही बचा लो ईश्वर बचा लो ईश्वर निज विधान बचा लो ईश्वर निज विधान सुन लो विनती हे भगवान सुन लो विनती हे भगवान जगत नयनता जगत नयनता कृपा निधान सुन लो विनती हे भगवान जगत नयनता कृपा निधान जगत नयंता कृपा निधान बहुत बहुत शुक्रिया सभी के लिए प्रार्थनाएं करती हैं कि सभी लोग अच्छे स्वास्थ्य को पाएँ और इस संकट से जल्दी से जल्दी उभरें तो मेरी प्रार्थना उन सबके लिए थी और आप लोग भी एक दूसरे के लिए मददगार रहिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए और हौसला रखिए सब कुछ सही होगा कुछ भी गलत नहीं होगा तो मैं अपना काव्य पाठ समाप्ति ओर ले जाती हूँ कोई आदेश हो तो मुझे बता सकते हैं अन्यथा मैं राम भगत जी प्लीज़ बताइए चलिए बहुत समान लिया आपका मैंने अगर आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपा करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा बहुत बहुत शुक्रिया आपका अगले पड़ाव पर फिर मिलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद